नमस्कार दोस्तों, सब लोग को जिन दोस्तों वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टेप में आप सभी लोग को स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरपी रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से दोस्तों जो वैकेंसी आई हुई है उसका रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आप लोग फॉर्म भरते टाइम बहुत लोगों का बहुत तरह तरह से आप लोग का मिस्टेक हुआ, तो क्या वो लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको तैयारी कैसे करना है दोस्तों बहुत लोगों को मालूम नहीं, सिलेबस का पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस बार आप लोग का चेंजिंग हुआ सिलेबस में दोस्तों, तो क्या आप लोग का चेंज हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग फॉर्म भरते टाइम दोस्तों बहुत लोगों ने क्या किया है कि दोस्तों जो सेंट्रल लेवल का आप लोग सर्टिफिकेट मांगा वो आप लोगों को ना देके दोस्तों स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट वहां पर डाल दिया, तो क्या वो लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, वो आप लोग का बहुत ज्यादा कॉमेंट रहता। तो दोस्तों मैंने एक जो सर्विस करते हैं दोस्तों आरपीएफ में उनसे बात किया और वो लोग क्या मेरे को बताया कि जो लोग इस तरह से किया वो लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, वो लोग को मान लेते कि एग्जाम पास कर लिया उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वो लोग का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट आरपीएफ का तैयारी करो या तैयारी करना चाह रहे दोस्तों और मार्केट में बेस्ट बुक ढूंढ रहे हो, ऐसे तो मार्केट में आपको बहुत सारा बुक देखने को मिल जाएगा आरपीएफ का दोस्तों, लेकिन 2024 में अगर आपको वर्दी लेना तो दोस्तों तक्षु प्रकाशन की ओर से एक बुक आई है जिसमें आप लोग अच्छे और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस बुक में आपको 100% गारंटी है कि आपको सफलता प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों 2024 का जो लेटेस्ट सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो जो सामान्य विज्ञान जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाया गया। और दोस्तों इसमें आपको 2500 प्लस आपको बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिल जाएगा, 5 आप लोगों को सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिससे आप लोगों की तैयारी को बेहतर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आप लोग मंगा सकते हो, नहीं तो नज़दीकी दुकान से भी आप लोग ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख लीजिए आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से बनाया गया आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों का तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करना है तो दोस्तों आप लोग तक्षु प्रकाशन की ओर से ही दोस्तों आप लोग का एक कॉम्बो पैक आया जिससे दोस्तों आप लोग तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों आरपीएफ का आपको जो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट किस टाइप से क्वेश्चन के लेवल पूछा जाता है दोस्तों आप लोग को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग 6000 एमसीक्यू आप लोग देखने को मिल जाएगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगा। और ये बुक आप लोग का अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आप लोग देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है वहाँ से जाके आप ये कॉम्बो पैक को भी मंगवा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों देर मत कीजिए, ये बुक आप लोग मंगवा लीजिए अगर आरपीएफ का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वो लोग का रिजल्ट कर दिया जाएगा वो भी इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जानकारी देने वाले दोस्तों, क्योंकि ये आप लोग का बहुत लोगों ने इस तरह से किया है दोस्तों और आप लोग बहुत लोगों का इस तरह से कमेंट भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि तैयारी करे या ना करे, क्योंकि अगर तैयारी करते तो फिर आगे दिक्कत होगा क्या, ये आप लोग का बहुत ज्यादा कॉमेंट आया था। तो देखिये आपका जो माइंड में चल रहा दोस्तों बिल्कुल आपको इस डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिये दोस्तों आप लोग क्या अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम अगर हुआ तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, आपको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा क्या, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा, इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग का जो पहला क्वेश्चन यही था दोस्तों इंपॉर्टेंट आप लोग का। देखिए दोस्तों मैंने एक बात किया जो आरपीएफ का जो होते हैं उनसे बात किया तो वो लोग क्या बोला वो सुन लीजिए। देखिए दोस्तों मैंने उससे जब बात किया तो वो बताया साफ साफ कि देखिए आरपीएफ में जो आप जब नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ पूरा क्लियर कर दिया है कि सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का चाहिए। देखिए अभी तो वो उसका बोलना का मतलब था कि अभी आप लोग किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम कुछ भी आप लोग एग्जाम वगैरह तो बिल्कुल देने को मिल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में दिक्कत होगा क्योंकि आप कास्ट आप जनरल में फाइट कर लेते हैं उस टाइम तो सही रहता आपका, आपका कुछ भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला डाल दियो तो आपका दिक्कत होगा, आपको यहाँ पर बाहर भी कर सकता है। देख लीजिए मौका आपको नहीं देगा कि फिर से आपको कास्ट सर्टिफिकेट में मौका देगा, क्योंकि वहां पर फॉर्म फिलअप आप किए हो तो आपको उस रिगार्डिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आपको डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर दावा किए वो डॉक्यूमेंट्स आप शो नहीं किए तो आपका वहाँ पर डिसमिस मतलब आपको खत्म हो जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको छोटा छोटा चीजों से आपको बाहर निकालेगा। तो आप इस चीजों का ध्यान रखिए, अगर आप इस तरह से किए हो तो बस आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स फाइल जो वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपका दिक्कत होगा। बाकी बात की बात अगर कुछ अगर नियम नया रूल अगर बाहर होता तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों वो उसका कहने का मतलब था कि हाँ दिक्कत होगा। तो देखिए आप लोग का क्या होता आगे दोस्तों, लेकिन आप लोग का एग्जाम देने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा ये आप लोग सोच लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग का अगर इस तरह से किए हैं तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगा, और आप लोगों को देखिए जनरल में फाइट कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपका पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप इस तरह से शो कर दिए हैं, आपको यहाँ पर सेंट्रल वाला मांगा कि आप डाल दिए स्टेट वाला,
तो फिर वहां पर तो दिक्कत होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर साफ साफ पूरा क्लियर कर दिया गया था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप तो जनरल में फाइट कर सकते हो, लेकिन आप कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का स्टेट वाला ही नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला ही चलेगा दोस्तों, भारत सरकार वाला। तो यही आप लोग का बताना था दोस्तों, आप लोग बहुत ज्यादा कॉमेंट आया था। और दोस्तों अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हो दोस्तों आरपीएफ का, तो दोस्तों आप लोग बहुत सारा आप लोग का यूट्यूब चैनल जो भी ऑनलाइन कोर्स अभी कर रहे हैं वो सब में ज्यादा आप लोग फोकस मत कीजिए। बहुत सारे रोजगार युक्त अंकित सर है वो फ्री क्लास चला रहे हैं, आप वहां पर भी जाके वो कर सकते हैं कोर्स। और अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दो भाई, क्योंकि इस बार कटअप भी जाएगा। और क्या कटअप जाएगा दोस्तों, कटअप के बारे में तो मैंने बता दिया, चलिए एक बार आपको रिपीट भी कर देते हैं। देखिए पिछले बार दोस्तों आप लोग का क्या कटअप गया था, इस बार क्या कटअप जाएगा वो तो आप लोग बता देते हैं। पिछले बार दोस्तों आप लोग का बात कर लेते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। और इस बार क्या कटअप रहेगा वो आप लोग का देखिए, इस बार आपको 95 प्लस आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा जनरल वाला को, ओबीसी वाला को लगभग आपको 93 का आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और आप लोग का ईडब्ल्यूएस का आप लोग का 92 और एससी का आप लोग भाई 80 प्लस का टारगेट, मतलब 85-88 तक का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। देखिए पिछले बार जो आप लोग का एससी वाला का गया था आप लोग कटअप 76 समथिंग आप लोग कटअप गया था, तो आप लोग देखो इस बार कटअप तो भागेगा समझ लो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि भाई सबसे अलग, जब तक आप हट के तैयारी नहीं करते हो तो फिर दिक्कत होगा भाई। देखो आप लोग का वैकेंसी इस बार बहुत ही कम आया पिछले का तुलना में दोस्तों, पिछले बार तो बहुत अच्छा खासा वैकेंसी था, लेकिन इस बार तो वैकेंसी आप लोग का ना के बराबर ही वैकेंसी है, लगभग 5000 भी पूरा वैकेंसी नहीं आया, 4660 वैकेंसी टोटल है। उसमें से दोस्तों 4208 वैकेंसी आप लोग कॉन्स्टेबल का आप लोग देखने को मिलेगा, प्लस आप लोग 452 आप लोग का ऐसा लेवल वाला वैकेंसी जो कि ग्रेजुएशन आप लोग का अगर है तो आप ये फॉर्म को भरे होंगे दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों, आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि आप लोग डर जा रहे थे क्या होगा भैया फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या एग्जाम देने का मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरा पैसा भी वापस मिलेगा या नहीं, ये आप लोग का बहुत ज्यादा कंफ्यूज था दोस्तों। आप लोग क्लियर हो चुका, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब देखिए, जो आप दावा किए हो कि हाँ इसका ये मेरा सर्टिफिकेट है, और वहां पर आपको नोटिफिकेशन में बोला गया कुछ और आप डाल रहे हो कुछ अपना मन से, तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक है कि आपको दिक्कत होगा। ये आप लोगों का खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए, नहीं तो आप जनरल में फाइट करो ना पास, अगर आपके पास नहीं होगा। और दोस्तों आप लोगों का पिछले बार आप लोगों का वीडियो बना रहे थे आरपीएफ का, जब वैकेंसी भी नहीं आया था उससे पहले से दोस्तों आप लोग इन्फॉर्मेशन हम दे रहे थे कि आप लोग बना लो, आप लोग बना लो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बना लो, लेकिन दोस्तों बहुत लोग माइंड नहीं करते हो, इग्नोर कर देते हो, बड़ा बड़ा यूट्यूबर को आप लोग भरोसा करते हो, जो आपका भाई नहीं जो बताता वो आप नहीं भरोसा कीजिएगा, तो फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत होगा ही भाई। तो दोस्तों आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, अगर किसी प्रकार से अगर आपको डाउट होगा तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भैया ये हो सकता, लेकिन इस बार कटअप भागेगा, कटअप भागेगा, तो आपको सबसे हट के आपको तैयारी करना। अगर आपको वर्दी लेना, अगर आप ठान लियो कि हमको इस बार वर्दी लेना, तो भाई एकदम जोश के साथ लगना पड़ेगा आपको। बाकी चलिए आपको हाई जंप लॉन्ग जंप के बारे तो बिल्कुल आप लोग का है, जैसे आपको पार हो जाएगा उसके बाद आप लोग का आगे का इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं आए हो, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी वैकेंसी आता है आपका भाई का चैनल पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके दोस्तों, आप तक पहुंच सके। तो आप लोग क्या करना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सभी लोग को जय हिंद। और आप सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार, जोहार मतलब झारखंड में प्रणाम होता, तो आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम।